नहीं, ड्रीम प्रोजेक्ट है और बहुत मेहनत की है हम लोगों ने, लेकिन मेहनत की बात नहीं है। आई थिंक हमने एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाई है। श्री राम जी बालकनी पे बैठे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और एजेंट विनोद का कॉमिक बुक पढ़ रहे हैं, और मैंने उनसे अभी अभी पूछा कि आपको कैसे लग रहा है, बोल रहे हैं नहीं मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। उनको खुश करना बहुत मुश्किल है, अगर वो खुश हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो कभी कभी सर दुखने लगता है और लेकिन मज़ा भी आता है, लेकिन जितनी मेहनत करनी थी अभी कर ली। आज शाम को मैं फर्स्ट कॉपी देखूंगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि फ्राइडे को जब रिलीज होगी तो ऑडियंस को भी अच्छी लगेगी ये फिल्म। बॉलीवुड फिल्म है, स्लिकनेस भी एक्सपेक्ट करेगी मेरे ख्याल से ऑडियंस की। एक स्पाई थ्रिलर अगर बना रहे हैं आज के ज़माने में तो थोड़ा इंटरनेशनल लुक भी होना चाहिए, एक्शन सीक्वेंसेज अच्छे होने चाहिए, लेकिन उसके कोर में वो जो हीरो जो है उसके वैल्यूज इंडियन एंड देसी होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए। एजेंट विनोद जैसी फिल्म सिंगल स्क्रीन्स में भी लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है और मल्टीप्लेक्स में भी। ये जो अपना हीरो है इसकी मोरालिटी और हीरोइज्म इंडियन है, स्ट्रांग है और काफ़ी सिंपल है।